हे सो गाइस, सो आपका स्वागत है डे टू सोलूर से। कल वाली ब्लॉग तो देख ली होगी, जो पहली वाली थी ब्लॉग वन। और अभी मैं सुबह उठा था 5:30 बजे करीब, नहा धो के अभी मेरी ड्यूटी लगी किचन में, दोस्तों के साथ ड्यूटी में लगा हूँ। दिखाता हूँ मेरे दोस्त सारे कैसे, देखो सब आटा बना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल सर्विस बोल सकते हैं, आंटी भी बहुत अच्छी, और ये सब आलू छील रहे हैं। देखिए दिस इज आतंबी, पूरी एकाग्रता के साथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं पूरी को। और यहाँ असद भाई लगे हुए मस्त, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार भी फेल। ये देखो, ये बनाया तंबी का, देखो चमत्कार। सो गाइस, इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, मतलब थोड़ी देर मतलब 2-3 घंटे पहले दिखाया था कि हम सब क्या बना रहे थे, पूरी बना रहे थे किचन में, थोड़ा हेल्प वगैरह कर रहे थे। उसके बाद अभी हम लोग घास वास काटने के लिए बुलाया, तो देख सकते हो पीछे सब लोग घास काट रहे हैं। और मेरे पास ये, मैं कोकोनट वाला जैसा लग रहा हूँ थोड़ा सा, बट वैसा है नहीं, बाकी चल रहा है काम। देखिए आप सब, और ये मेरी दोस्त, अच्छे से दिखाओ। और यहाँ काम चले जा रहा है देखिए, और बहुत मतलब क्या बोलूँ, मतलब गाँव वाली फीलिंग आती आई जाती है यार यहाँ आने के बाद। देखिए ये देखिए, फुल गाँव वाला, देखिए वहाँ सब काम कर रहे हैं, सब हार्डवर्क पे लगे, और मैं अपने हार्डवर्क में लगा हूँ यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर की तलाश में। तो बने रहिए दोस्त, बुला रहे आता हूँ मैं। गाइस अभी मैं जिस जगह पे हूँ, शायद ही ऐसी जगह कहीं बैंगलोर में हो, क्योंकि हम बैंगलोर से भी, हम जैसे कि मैंने आपको कहा 55-60 किलोमीटर दूर है, और पूरा गाँव वाला एरिया देख सकते हो आप, एकदम खुला एकदम। देखिए हम लोग घास काट के यहाँ पे जला रहे हैं, वो देखिए तंबी फ्रॉम चेन्नई, जिसने तलवार उठा रखी है, ठीक है। और क्या बताएं, बस गांव वाली फीलिंग है। जो बंदे मेरे तरह गांव वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, वो लोग मैनेज कर लेंगे, जो शहरी बाबू है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखो मेरे पीछे ये बाउंड्री है, इसके पीछे फिर से गांव वाले ही है, पीछे गांव ही गांव यार। इतना बड़ा एरिया मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खाली एरिया आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। वर्क वर्क है नीरज, वेरी हार्ड मैन, आई विल गिव यू पद्मश्री। एनसीसी जिंदाबाद। तो गाइस हम लोग की खेती बाड़ी हो गई थी, उसके बाद थोड़ा खाना पीना हुआ, खाना पीने के बाद अभी करीब 5 बज रहे हैं, 5:14 दिखाई नहीं देगा मेरी घड़ी बहुत ज़्यादा, इवनिंग 5:14 हो रहा है। और हमें अभी गांव की तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ पे अभी हम मतलब लोगों से बात करेंगे। ये हमारा दोस्त है दीपक भाई, बहुत मस्त है, ये भी एक मस्त भाई है। हाँ तो बात ये है कि अभी हम जाएंगे गांव की, और मतलब उनकी जो सेंसस वगैरह इकट्ठा करेंगे, कितनी इनकम है, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे, कितने इलिटरेट है, इलिटरेट्स है, एवरीवन, सबके बारे में बात करेंगे। ये है इलामती, इनको फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का। एंड हाँ, बस खेती बाड़ी के बाद खाए पिए, थोड़ा सा सोए, 1:30 करीब हमें खाना मिल गया था। खाना बहुत बढ़िया, खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कॉलेज वाले, इस चीज़ के लिए एकदम सैल्यूट देता हूँ कॉलेज वालों को, बाकी सब तो ठीक ही होता है। और हाँ एक और बात, 4:30 करीब भी थोड़ा सा स्नैक्स दिया था खाने के लिए, वो मूरी मूरी समझते हो गया, मूरी और मूंगफली के साथ मिला था, और एक कप चाय, इतनी छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं यार, 50 ml 10 ml की होगी शायद। और अभी हम चले हैं गांव के तरफ, गांव के लोगों से बात करने के लिए। हमारे दीपक भैया है, ये मॉडल है हमारे कॉलेज के, और चलते हैं आपको बताते हैं कैसा है क्या नहीं है आगे की। और बहुत अच्छा लगता है जब जब मैं ऐसा सीनरी देखता हूँ, मतलब गांव वाला, नो बिल्डिंग, नथिंग, ऐसे खाली, सबसे ऊंचा सिर्फ ये टंकी मिलेगा जिसपे पानी भरा हुआ है। आपको जो पहाड़ दिख रहा है, मुझे लगता है गब्बर की शूटिंग यहीं हुई थी शायद। गब्बर कितने आदमी थे दोस्तों, मैं टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा पीछे हूँ, तो मुझे अभी एक चीज़ सीखने को मिली, जिस अभी कैमरा से मतलब फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, वो है कौन सा फ़ोन है, K20 Pro। हाँ K20 Pro है, तो इसमें एक स्टेबलाइजेशन का मोड है, जिसमें आप इसे खड़ा करके से हिलाओगे बिना कैमरा को, तो मतलब हिलेगा नहीं आगे का ऑब्जेक्ट, मतलब समझ रहे हो, एकदम स्थिर रहेगा, स्थिर, स्टेबल अंग्रेजी में।
मतलब जैसे पिक्चर बनाते ना ऐसे ऐसे नहीं हिलता है, अब हम वीडियो लेते हैं ऐसे ऐसे डोल, देखो ये डोल रहा था बट उसमें नहीं डोलता, थोड़ा सा सैंपल आपको दिखाता हूँ। वेट, जैसे कि दोस्तों आप ये सैंपल देख सकते हैं, मैं चल रहा हूँ लेकिन आपको पता लग नहीं रहा होगा कि मैं चल रहा हूँ। देखिए मेरे चलने के टाइम मतलब हिल नहीं रहा है वो कैमरा, देखिए इसे ही कहते हैं स्टेबल आजकल की टेक्नोलॉजी, माय गॉड कसम से। तो गाइस जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया जो मोड था वो जो स्थिर वाला मोड स्टेबल मोड वो आपको सिर्फ K20 Pro में देखने को मिला है। अगर आप खरीदना चाहते हैं Amazon Flipkart से तो मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ और खरीद लो। और क्या अगर पैसे हैं तो मेरे पास तो नहीं है, दोस्तों के दम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, देखो गाँव कितना टाइम हो गया ना। सौरभ जैसे किस देखते हो ये थ्री इडियट्स है, आमिर खान किसको बनाना है, किसको क्या क्या बनाना है, आप लोग बना दो अपने अपने आप में, हमेशा लेट आते क्लास हो या कुछ और हो। अभी हमें तीन चार टुकड़ियों में बांट दिया है, तीन चार ग्रुप्स में बांट दिया गया है, सबको अलग अलग जगह भेजा गया है, हमें पता नहीं कहाँ भेजा गया है। तो अभी हम कनाडा वाले जितने भी हमारे क्लास में उनके भरोसे जा रहे हैं। देखिए कितना मस्त सूरज लग रहा है, देखिए ये है 5:30 बजे का सूरज फ्रॉम सोलूर, टाइम देखिए हुआ वही 5:34 5:30 एक ही होता है देखिए। और हमारे लीडर जा रहे हैं कहीं, पता नहीं किसी काम से विशेष काम आ गया है उन्हें, तो अभी हमें जाना है घर में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हमें थोड़ा सवाल जवाब करना है, जैसे मीडिया वाले करते हैं वैसे नहीं, अच्छे सवाल ही करेंगे, ज़्यादा बकलोली नहीं करेंगे उनके साथ। सेंसेस सर्वे जो कि हर 10 साल में होता है हमारे इंडिया में, वैसे क्वेश्चन हम भी पूछने वाले उन लोगों से। तो एक क्वेश्चन आया मुझे, सबसे पहले सेंसेस कब लिया गया था इंडिया में, चलो बताओ कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैंने गाय देखा, देखो कर्नाटक में भी गाय होते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनी वाली फीलिंग आती है, गाय वाय देखते हैं ना तो अपनी वाली फीलिंग आती है। देखिए गाय सही है, अब हम पहले घर की ओर जा रहे हैं, यहाँ हमने बुलाया है, कोई आएगा अभी बाहर अपना इंटरव्यू देगा थोड़ा, इसके भरोसे जो बंदा पेपर लेके खड़ा है मतलब फोन लेके खड़ा है उसमें प्रश्न है, वो कुछ प्रश्न करेगा जैसे कि कहाँ सेंसेस वगैरह वही है। ಜಮೀನು ಊರು ಮಾತ್ರ ಮಾಸೋದು ಅಂತ ಊರು ಇರ್ತದಲ್ಲ जब से आया कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा है यार, पता नहीं क्यों। वो देखो अपने पार्टनर सारे अपने साथ जो आए थे, देखिए खुला गाओ वो देखो पेड़ पे मेरे प्रजाति वाला दिख रहा है ऊपर, बंदर हनुमान जी का एक रूप। तो अभी अभी एक आंटी को पूछा कि इस पेड़ में क्या है, तो इस पेड़ के अंदर एक मंदिर है उन्होंने कहा, मतलब पीछे, तो चलो हम आपको भी दिखाते हैं कैसा मंदिर है क्या है। यही है वो मंदिर जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी, पता नहीं कब किसने बनाया। आंटी ने बोला उनके परदादा इधर थे, परदादा गुजरने के बाद सारे बेल नीचे आ गई और मंदिर सब कुछ छप गई। उसके बाद साल में एक बार पूजा करने, हाँ साल में एक बार पूजा करने के लिए ये काटते हैं, इसका बच्चा बकरी का बच्चा, ओके इसको काट के सैक्रिफाइस करके सिर्फ साल में एक बार थोड़ी पूजा वगैरह करके जाते हैं। और ये जगह जो है ना वो आंटी जिससे हमने बात की वो आंटी की जगह ही है। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने कहा था गांव वालों का सेंसस लेंगे, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने शादीशुदा हैं, कितनों ने किसके मतलब किसके कितने बच्चे, वो सब जो भी वो सब पूछना हो गया। अब हमें करना है एंजॉय और रात के खाने का इंतजार करना है और कल फिर से खुदाई करनी है, जेसीबी की खुदाई नहीं हाथों से उसे खुदाई। ओके तो अभी चलेंगे हम अपने जहाँ पे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल घर व्हाटएवर, वहां को जाएंगे। और ये सुंदर नजारा देखिए मेरे लेफ्ट में और आपके राइट में, आई थिंक सो मेरे दोस्तों को और मुझे छोड़ के यहाँ फिलहाल कोई नहीं, देखिए कितना खुला एरिया, कितना अच्छा लगता है जब बिल्डिंग वगैरह नहीं होती है ना, मतलब प्रकृति के साथ, मतलब जो वो कॉन्टेक्ट रहता है ह्यूमन बींग्स का, मतलब मनुष्यों का प्रकृति के साथ, मतलब बहुत अच्छा होता है यार।
अब मानव क्या है ना आजकल मतलब डिस्ट्रॉय करते जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सेल्फिश बनने जा रहा है, मतलब अपने खुद के लिए पेड़ काट रहा है, इंसान मार रहा है, इसीलिए कोरोना वायरस हो रहा है। अच्छा है, होना चाहिए। और मेरे जस्ट आगे वो देखिए, मेरे पीछे अभी पोंड है उधर और पहाड़ भी है, तो पहाड़ पे स्थित है ये सोलूर जहाँ तक मुझे बताया, अगर रॉन्ग हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी देखिए और बताते हैं आपको, अभी हम चलते हैं अपने हॉस्टल की ओर जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। सो ये है सोलूर के बच्चों का टैलेंट, टैलेंटेड गांव के बच्चे शहरों के बच्चे से बहुत ज़्यादा फुर्तीले और ताकतवर और लचकीले, फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स ऐसा दम शहर के बच्चों में कहाँ यार, गाँव वालों की तरह शाबाश। तो मस्ती मजा हो गया, अब चलते हैं बेड की ओर सोने के लिए। चलो रूम में एंट्री मारते हैं। आ गया अपने रूम में, लगा के गया था वैसे मैं यही सोऊंगा, मस्त फ्लैट एकदम। तो चलो आज का ब्लॉग होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और इंग्लिश वर्जन की डिमांड मत कीजिएगा, ये हिंदी में ही है, देखनी है देखो, अदरवाइज मत देखो। और बाकी सब आप सभी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।